क्या है, मोबाइल लेना है तो मैं मोबाइल देखने जा रहा हूँ सैमसंग के क्या बोलते हैं शॉप पर। तो अब्दुल भाई अभी आए हैं, अब्दुल भाई बोल रहे हैं कि मोबाइल दिलाता आज आपको, बोले तो चल रहे हैं अभी मोबाइल देख के। मैं देख रहा भाई ये वाला गैलेक्सी A55 5G। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। करते भाई अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहां से स्टार्ट। जैसे कि पिछला वाला ब्लॉग भाई आप लोगों ने देखा होगा, मैं आया था भाई धर्मपुर अपनी गाड़ी भरकर तरबूज खेतिया से, और गाड़ी वाड़ी खाली कर दी थी, भाड़ा थोड़ा ले लिया था मैंने और आ गया था भाई सीधा वापिस कल शाम को। तो करीबन यहाँ पे आया था मैं 5-6 बजे समथिंग आया था। तो गाड़ी वाड़ी तो कल लोड हुई नहीं भाई, और वापी से अच्छा मार्केट चल रहा था, लेकिन कल क्या है इलेक्शन था ना वापी में, गुजरात में समझ लो, तो गाड़ियाँ भाई लोड नहीं हुई और काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और आज जो भी मार्केट खुलता है देखते हैं क्या भाड़ा लगता है, भाड़ा थोड़ा जो भी लगेगा वो सब कुछ आप लोगों को बताएंगे भाई। बाकी गाड़ियाँ अपने साइड की बहुत ज़्यादा खड़ी भाई, मुझे नहीं लग रहा कि भाड़ा बढ़कर लगेगा इस बार, भाड़ा डाउन हो जाएगा क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी सारी खड़ी भाई देख सकते हो, वो वहाँ से लगाकर ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई है पार्किंग में देख सकते हो, अपनी गाड़ी वो वहाँ पे लगाई है। और पीछे तक जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही ना सारे अपने साइड की गाड़ियाँ भाई, इंदौर साइड की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और हम अभी यहाँ पे आए हैं चाय वाय पियेंगे भाई, और अपने भाई मिलने के लिए आए हैं, तो भाई से मिलो, क्या नाम है भाई? सोहन भाई है ठिकरी से। चाय वाय पीते उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल करते हैं और अपनी गाड़ी वाड़ी लोडिंग करने के लिए। दोस्तों माल भरने का तो अपना पक्का हो चुका भाई, और अभी क्या है मोबाइल लेना है तो मैं मोबाइल देखने जा रहा हूँ सैमसंग के क्या बोलते हैं शॉप पर। तो अब्दुल भाई अभी आए हैं, अब्दुल भाई बोल रहे हैं कि मोबाइल दिलाता आज आपको, बोले तो चल रहे हैं अभी मोबाइल देख के आते हैं, अगर पसंद आएगा भाई। और लोन पे लेना है अपने को, तो अपने नाम से कभी लोन हो गया तो अपने नाम से ले लेंगे, बाकी मेरे नाम से अगर नहीं होगा तो अब्दुल भाई के नाम से लेंगे। अब्दुल भाई अभी थोड़े से व्यस्त है, फोन आए हैं तो इसके बाद चलते हैं मोबाइल की शॉप पर। और कौन सा मोबाइल ले रहे हैं और कौन सा मोबाइल देख रहे हैं आप लोगों को बताएंगे भाई। बाकी भाई से कर रहे थे बातें, भाई की भी गाड़ी है, कहाँ खड़ी अपनी पार्किंग में, रोड के उस साइड में खड़ी भाई की गाड़ी। तो चलो अभी चलते हैं मोबाइल की शॉप पर। और ये मॉल है भाई, तो यहाँ पे जा रहे हैं, और सैमसंग के सामने कंपनी दिख रही है आपको, वहीं पे जाएंगे भाई। 0% ब्याज है यहाँ पे, तो देखते हैं अभी चेक करवाते हैं भाई अपना क्या है क्या नहीं, होता है या नहीं होता है सब कुछ बताएंगे आपको। देख सकते हैं दोस्तों ये डेमो फोन पड़े हुए हैं, ये गैलेक्सी A55 5G है ये, और मैं देख रहा भाई ये वाला गैलेक्सी A55 5G। क्या कितना डाउन पेमेंट? 23,000 रुपये, 23,000 डाउन पेमेंट आ रहा भाई। चलो देखते क्या होता है। दोस्तों मोबाइल वोबाइल ले लिया भाई, ये रहा देख सकते हो, और किस्त पे लिया यार मैंने, अपने अब्दुल भाई ने दिलाया हमको। अब्दुल भाई मोबाइल भी दिला दिया, गाड़ी भाई गरीब आदमी क्या करे मोबाइल भी दिला दिया अब्दुल भाई ने, और गाड़ी का लोड भी दिला दिया, अभी गाड़ी भरने चलना है। चलो चल रहे कि आप भी उधर ही आप, चलो फिर मिलते हैं है ना। देखो फूफा जी को फोन लगाया मैंने, तो फूफा जी भी लेकर गाड़ी आ गए, ये रही उधर दबा लो, उधर खड़ी कर लो साइड में, अभी गाड़ी स्टार्ट रहे तो आ जाओ जूस पी लो। चलो यहाँ पे जूस पियेंगे, उसके बाद अब्दुल भाई को भी बाय करेंगे और हम भी जाएंगे गाड़ी लोड करने के लिए। पुपा जी आ जाइए, ठीक है मिलते हैं। जा रहे हैं अब्दुल भाई, मेरे भाई जूस पीते और फटाफट चलते अपनी गाड़ी लोडिंग करने के लिए। चलो भाई निकल के आ गए वापस से हम लोग, और ये तुलसी होटल के पीछे आ गए हैं, मेन हाईवे के जस्ट पास में ही है, तो यही गोडाउन है, यहीं से अपनी गाड़ी लोड होगी। बाकी गेट पे एंट्री करवाते हैं अपनी गाड़ी की कंपनी में, गाड़ी भाई अपनी उस साइड में खड़ी कर ली है। अब ऊपर की रस्सी तिरपाल वो सारी हटाना पड़ेगा क्योंकि बॉडी से थोड़ा सा ऊपर माल जाएगा, तो अभी एंट्री करा रहे हैं यहाँ पे। सर जी बैठे हुए है, तो लाइसेंस RC परमिट का झोला सारा कुछ एंट्री होगा। और इधर है सर जी, क्या नाम है सर जी आपका? आशीष सर। और इधर सर राजेंद्र सर जी, तो कर रहे भाई अपनी गाड़ी की एंट्री,
और काफी सारी गाड़ियां लगी हुई देख सकते हो आप लोग लोडिंग होने के लिए। इसके बाद में एक दो गाड़ी हटेगी, एक आध गाड़ी तो अपनी गाड़ी भी वहां पे लग जाएगी। चलो भाई एंट्री करवाते हैं, उसके बाद में चलते हैं। गाड़ी वाड़ी कहाँ लगाने बोलते सर जी, वहाँ पे लगाते ले जाके अपनी गाड़ी। एंट्री करवाना था, एंट्री करवा दी। बाकी अपनी एक कमाने की पिन है ना बाहर आ गई है भाई, तो क्वार्टर पिन को है ना खोल करके वापस ठोकना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं पानी निकाल लेता हूँ यार, उसको खोलना पड़ेगा क्वार्टर पिन को। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये पीछे वाली पिन है ना बाहर आ गई है। कल गिरीश कराया था ना, तो गिरीश वाले ने बोल दिया था हमको, ये देख सकते हो कितनी पिन बाहर आ गई, ये वाली। तो ये क्वार्टर पिन को अभी खोलना पड़ेगा हमको, उसके बाद में ठुकेगी और फिर ये वापस से कसेंगे। तो करते भाई ये वाला काम। पुपा जी बिल पाना निकाल लीजिए। निकाल लिया, चलो इसको रखो। देखो दोस्तों क्वार्टर पिन को वापस निकाल के हमने पिन ठोक ली और वापस से इसको बिठा दिया है, ये देख सकते हो। बाकी अपनी गाड़ी में ना व्हील में आवाज आ रही थी अभी सर 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 करके, तो व्हील में है ना अंदर स्प्रिंग टूटा हुआ है लग रहा। देखो ये स्प्रिंग आ रखा दिख रहा है, ये वाला फतरा खोलना पड़ेगा। ये 13 नंबर बोल्ट लगे हुए है, तो पाने भी निकाल लिए मैंने, इसको खोलते है भाई। ये देख सकते हो अभी खोलता हूँ इसको और निकालता हूँ बाहर। देखो दोस्तों खोल दिया है मैंने इसको अभी, बस मैं ढीला करके निकाल दे। ये देख सकते हैं ये स्प्रिंग निकली, ये स्प्रिंग जो है ना लाइनर की है और लाइनर ढीले है, ये देख सकते हैं इसकी स्प्रिंग निकली है ये। इसको वापस से लगवाना पड़ेगा अपने को। फिलहाल में यहाँ से तो जा सकती है गाड़ी, चलो वापस रखते है कसते इसको। और ये आवाज कर रही थी व्हील में, तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी में क्या साउंड आ रहा है, कैसा साउंड आ रहा है, ये सब चीजें चेक करना पड़ता है भाई। अगर ये कहीं अटक जाती है ना स्प्रिंग, तो समझ लो व्हील में नुकसान हो सकता था, ड्रम का भी नुकसान हो सकता था, लाइनर का भी। अब इसको लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब यहाँ तो लगा नहीं सकते, मिस्त्री तो यहाँ है नहीं। तो देखेंगे रस्ते में कहीं, या तो फिर जुलवानिया जा करके व्हील खुलवा के वापस से इस स्प्रिंग को लगवाना पड़ेगा, क्योंकि लाइनर जो है ना ढीले बैठ रहे भाई और हालत खराब हो गई है भाई, देख सकते हो ये। तो मैं अभी डीजल निकालता हूँ थोड़ा सा और हाथ धो लेते हैं भाई, कपड़े से तो ये निकलेगा नहीं। अभी तो पुराने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस मोबाइल में कुछ कुछ सेटिंग है बाकी है, तो अपने को यूट्यूब की आईडी वगैरह लेके आना पड़ेगा ना नए मोबाइल में इसमें, उसके बाद इसके वीडियो शूट करके बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके बोलना इसका कैमरा पुराने वाले का सही था या इसका सही था। तो इसका तो कैमरा बहुत ही बढ़िया है भाई, और बजाज फाइनेंस से करवाया है भाई इसको। तो और मोबाइल है अपना सैमसंग A55 12256, देख सकते हो ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। बाकी इसका फोका भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिलहाल मैं हाथ मत पहुँचते भाई। चलो दोस्तों सारी गाड़ियां हट गई है यहाँ से और यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाना है। फूफा जी लेकर आ रहे हैं गाड़ी, तो लगाते भाई गाड़ी अपनी लोडिंग करने के लिए। गाड़ी अपनी लोड हो चुकी भाई, देख सकते हो फट्टे वट्टे लगाते हैं। पुपा जी आ जाइए, फट्टे लगाते हैं, चलो फट्टे लगाते हैं। फाइनली दोस्तों रस्सा तिरपाल करना था, रस्सा तिरपाल भी कर लिया और थोड़ी सी हालत खराब हो गई, हाथ पैर धोते भाई मुंह वगैरह देख सकते हो। पूरी तिरपाल डाल दी मैंने, इसके नीचे है ना तीन तिरपाल डली, एक ये डली करके चार तिरपाल टोटल डल चुकी भाई। और बाकी सर जी से लेते हैं पेपर, अपने पेपर वगैरह कम्प्लीट हो चुके भाई, हो गए सर पेपर, चलो लेते हैं भाई पेपर। चलो भाई ये रे अपने पेपर हो गए। चले फूफा जी हाथ पैर धुलवा दो यार पहले मेरे को, वहाँ रोकेंगे ना होटल पर रोकेंगे, वहाँ धोएंगे। चलो होटल पे रुकते फिर। चलो दोस्तों कंपनी से जस्ट बाहर निकले हम और भाई यहाँ पे होटल दिख रही है, तो खाना वाना खा लेते भाई, क्योंकि है ना सुबह भी खाना नहीं खाया। क्यों पापा जी भूख लग रही है ना? लग रही है।
हाँ यार, तो यही तुलसी होटल है और इसी के पीछे से हमने गाड़ी लोड की है। वो पीछे गोडाउन दिख रहा है वहां से, ये तुलसी होटल है। चलो थोड़ा सा आगे जान दो ना पापा जी। लग गया खाना, खाने में बुलाया काजू कड़ी बुलाई है और चपाती, दो छाछ बोली है। और निकालो पापा जी, छाछ भी आ गए अपने। चलो भाई खाते हैं खाना फिर निकलेंगे। काजू ऊपर से डाल दिया क्यों? इधर डलवा के निकल आया हूँ और अभी पहुंचा हूँ भाई सोनगढ़। सोनगढ़ तो अभी क्रॉस कर लिया है मैंने, पीछे 5-6 किलोमीटर छूटा है। और बस अभी क्या अखिलेश भाई उधर से 94-93 लेकर के आ रहे हैं, तो अखिलेश भाई से मिलेंगे भाई। और मेरे पास के डीजल के पैसे भी कम है, तो अखिलेश भाई से लेंगे पैसे। सिलक उनके पास पड़ी थी, कम से कम एक भाड़ा मिला था उनको, तो लोकल पानसेमल से इंदौर गए थे अखिलेश भाई, तो वो सिलक पड़ी हुई उनके पास। बाकी उन्होंने भी डीजल डाल लिया, तो 5-6 हज़ार उनके पास पड़े हैं, तो मैं मांग लूंगा और अपनी गाड़ी में डीजल डाल लेंगे भाई। तो अभी जब पीछे है ना, मैंने 5-6 हज़ार रुपये का डीजल डलवाया, 5.5 हज़ार रुपये का डीजल डलाया था। यहाँ पे खड़ी करी भाई अपनी गाड़ी और 94 अपनी वो खड़ी भाई उधर रोड के उस पार। तो अखिलेश भाई जा रहे हैं सूरत और इसमें भरा है भाई प्याज पानसेमल से सूरत का। चलते भाई, पैसे वैसे लेते अखिलेश भाई से। देख सकते हो प्याज भरा भाई इसमें। और भैया जी क्या हाल है? बढ़िया हो ना? एकदम ठीक। कौन है साथ में? दिनेश। दिनेश अरे वाह यार। ओ पावना जी क्या हाल है? भैया अब सब बढ़िया है। बढ़िया है ना? वाह यार, कब आ गए? आज ही आए। आज 94 चलाएंगे ऐसा? आज 94 देखेंगे भाई। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया ना? सब बढ़िया, घर परिवार सब। अखिलेश भाई सिलक कितनी पड़ी हुई? मेरे पास में 8200 रुपए। 8200 पड़े हुए ऐसा? हाँ। तो आप मेरे को ऐसा करो, 1200 रुपए आप रख लो। हाँ। और 7000 रुपए दे दो। 7000? कितने? 7000। 7000 ले लिया भाई अखिलेश भाई से, 7000 रुपए लिए है। और अपने पास खर्चे पानी के है भी नहीं भाई, तो अभी क्या है डीजल डीजल डालना पड़ेगा। 5500 का ही डीजल डाल के आया था मैं। दोस्तों 94-93 चले गई और इधर भाई अपनी गाड़ी खड़ी देखे, तो भाई मिलने के लिए आए। तो भाई कहाँ जा रहे थे आप इधर अभी? घर पे जा रहा था। घर पे जा रहे थे? कहीं गए थे क्या? शादी में गए थे। तो क्या नाम है भाई आपका? अतुल। अतुल भाई है। तो भाई बोल रहे थे कि विक्की भाई करके एकदम से आए उस साइड से, उधर बाइक खड़ी करी भाई ने। तो और भाई बढ़िया? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई अपने सब्सक्राइबर और भाई वीडियो डेली देखते बोले अपने, तो भाई ने मुझे पहचान लिया। मैं उधर से आ रहा था, मैं क्या 94-93 को अभी बाय बाय किया, तो भाई उधर से आए, मैं बस गाड़ी के पास ही आया था और भाई फिर आ गए मिलने के लिए। विक्की भाई रुको ऐसा करके। भाई के साथ में पी रहे भाई चाय, और चाय तो बनती है यार। देखो भाई 12:30 बजे आधी रात को मिलने आए, तो चाय तो बिल्कुल बनती है भाई के साथ में। तो पीते भाई के साथ में चाय, उसके बाद हम भी निकलेंगे और भाई को भी करेंगे भाई। दोस्तों मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, अभी फूफा जी चला रहे गाड़ी और अभी हम पहुंचे हैं लकड़ीनाका। अभी फूफा जी ने जस्ट चाय वाय पी और चाय पी के फूफा जी चला रहे गाड़ी और मैं करूंगा आराम, क्योंकि भाई रात की है ना 1:30 बज चुकी है और नींद भी आने लग गई मुझे। और फूफा जी थोड़ी देर पहले सो लिए थे, जैसे वापिस से निकले खाना वाना खा के हम होटल पे से, वैसे ही फूफा जी सो गए थे। तो फूफा जी की थोड़ी बहुत नींद हो गई है, अब मुझे नींद आ रही, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपको एक थोड़ी सी देर बाद। तब तक के लिए गुड नाइट। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हो चुकी भाई सुबह और मैं भी उठ चुका हूँ और अभी हम पहुंचे भाई निवाली। गाड़ी वाड़ी भाई अपनी खड़ी की इधर साइड में, अब भाई चाय वाय पियेंगे। अभी जस्ट मैंने हाथ मुंह धो लिया है और सुबह के बज रही भाई 7, तो देख सकते हो गाड़ी अपनी ये खड़ी भाई। पीते भाई चाय, उसके बाद में चलेंगे आगे के लिए। डाल दो ना YouTube।
चाय पी के निकल आए दोस्तों। और ये है निवाली शहर, और ये सीधा रास्ता जा रहा ना, ये जाएगा पलसुद राजपुर और आपका जुलवानिया। अगर आपको बॉर्डर बचाना है तो क्या हुआ फूफा जी, इधर टेंट लगा हुआ है यार, अपने गाड़ी किधर से निकालेंगे? चलो आगे से घुमा के ले आएंगे, उधर से आगे रास्ता है ना। और हमको भाई चलना है सेंधवा बॉर्डर होके, क्योंकि अपने घर परिवार से मिलते हुए चलेंगे, और सोच रहे अगर टाइम मिला तो नहा धो भी लेंगे। और इधर टेंट लगा हुआ है यार, आज शायद है ना सीएम आ रहा है निवाली में, इसीलिए ये देखो लिखा है ना, बड़वानी जा सकते है, राजपुर जा सकते है, वजर। और राजपुर यहाँ से 42 किलोमीटर है भाई। और आप लोगों को जैसे सेंधवा बॉर्डर बचाना है और सेंधवा का टोल बचाना है तो इस रोड से आप जा सकते हो। और इधर आप लोगों को समथिंग 10 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा सिर्फ, और थोड़ा घाट वाला रोड है, लेकिन सेंधवा की बॉर्डर बच जाएगी और दूसरा एक टोल बच जाएगा। आयसर से बड़ी गाड़ी निकलेगी नहीं, और उसके बाद में जो है ना दोस्तों, यहाँ से रोड बंद करा हुआ है, देखो ये इस साइड में ये निवाली सेंधवा रोड है। और आज है भाई तारीख 9 तारीख है ना पापा जी, आज 9 तारीख है। आज अगर गाड़ी लेके आ रहे हो सेंधवा से लेकर निवाली, और आप जा रहे हो खेतिया, पानसेमल, शहादा, नंदुरबार, सूरत, वापी, कहीं भी, तो ध्यान रखना भाई, आज रोड बंद कर रखा है ये वाला है ना। और जा रहे हैं हम सीधा सीधा अपनी गाड़ी खाली करने, इंदौर घर वर नहीं रुकेंगे, क्योंकि भाई जल्दी आ गए ना, इसीलिए सेंधवा बॉर्डर पे तो जाम लगा ही होगा, तो समथिंग हमारे 2-1.5 घंटा तो टूट ही जाएगा वहाँ पे। फिर भी हम समझ लो 1 बजे तक इंदौर पहुँच जाएंगे, 1 या 2 बजे तक। तो गाड़ी वाड़ी आज खाली करेंगे, क्योंकि भाई है ना 10 तारीख को किस्त डालना है, इसीलिए टेंशन है भाई, 36,000 रूपए इकट्ठे करना है 2 दिन के अंदर अंदर, इसीलिए जाना पड़ रहा है। और रखते इस वाले ब्लॉग को यहीं तक, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय।